आत्माभिमानी होकर के बैठना है। यू शुड सेट बिकमिंग सोल कॉन्शियस। इसको कहा जाता है मन मना भव। दिस इज कॉल्ड मन मना भव मीनिंग मर्ज इन माई माइंड। हाउ आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे। इफ यू सेट बिकमिंग सोल कॉन्शियस तो मन मना भाव कैसे हो जाएंगे। हाउ विल यू बिकम मन मना भाव। बाप के मन में तो बच्चों के मन में कैसे हो जाएगा। वॉट एवर इज देयर इन द फादर्स माइंड हाउ विल इट कम टू द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। बाप है ही असोचता निसंकल्प। द फादर इज सर्टनली असोचता दैट इज द वन हु डजंट थिंक। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। He is incorporeal, voiceless and egoless. तो बच्चे अगर बीज रूप स्टेज बिंद रूप स्टेज में टिके होंगे। So, if the children are stabilized in the seed form stage, that is the point form stage. तार की याद में टिके होंगे। If they have become constant in the remembrance of the star, तो जैसे मन मना भव। It is as if they became मन मना भव। स्टार से है? अपन को आत्मा समझ करके बैठो। इट मीन्स सिट कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ सोल। देह सहित जो भी है वॉट एवर इज देयर अलोंग विद द बॉडी। चाहे अपनी देह है चाहे संबंधियों की देह है मित्रों की देह है। बी इट योर ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। देह के पदार्थ हैं और द थिंग्स रिलेटेड टू द बॉडी। उन सभी को भूल जाओ। फॉरगेट ऑल ऑफ देम। सिर्फ आत्मा याद रहे। यू शुड रिमेम्बर ओनली द सोल।